हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द रिएजेंट्स विच कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश एसीटोफिनोन फ्रॉम बेंजोफिनोन आर ऑप्शन ए बी सी डी आर गिवन। द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या डिस्कस करना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है। हमारे पास गिवन है एसीटोफिनोन और बेंजोफिनोन। एसीटोफिनोन का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होगा, बेंजीन रिंग के ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री ग्रुप लगा होगा, ये हमारा एसीटोफिनोन का स्ट्रक्चर है। और दूसरा हमें क्या गिवन है, बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन के स्ट्रक्चर में यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, तो ये हमारा बेंजोफिनोन है। अब हमसे पूछा गया है कि इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं। अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, तो इसमें गिवन है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्राजीन। तो ये टेस्ट है जो वो अमाइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन हमारे पास क्या गिवन है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन ए है वो हमारे लिए इनकरेक्ट होगी। नेक्स्ट अगर हम देखें एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइट, तो ये टेस्ट है जो वो यूज किया जाता है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लिए, लेकिन जिनमें रिंग प्रेजेंट होती है वो ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करते। वैसे कीटोन्स ये टेस्ट देते हैं, लेकिन जिन कीटोन्स में रिंग प्रेजेंट होती है वो ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करते। और हमारे दोनों जो कंपाउंड्स हैं दोनों में रिंग प्रेजेंट है, तो ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करेंगे, तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट होगी। नेक्स्ट हमारा सी ऑप्शन है बेनेडिक्ट रिएजेंट, ये टेस्ट है वो यूज किया जाता है टू रिड्यूस शुगर, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के लिए टेस्ट यूज किया जाता है, लेकिन हमारे पास कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, तो ऑप्शन सी भी हमारी इनकरेक्ट होगी। अब हमारे पास बचती है ऑप्शन डी, दैट इज आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम बात करें आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो इस टेस्ट को हम पर्टिकुलर नेम से बुलाते हैं, दैट इज आइटोफॉर्म टेस्ट। बेसिकली हमारे पास जो आइटोफॉर्म टेस्ट है उसमें क्या होता है, जो हमारा कंपाउंड है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके येलो प्रेसिपिटेट्स देता है, जिसको हम आइटोफॉर्म बोलते हैं। तो ये हमारा जो कंपाउंड है इसके पास कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। अगर हमारे कंपाउंड के पास ये ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये हमारा आइटोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करेगा और येलो प्रेसिपिटेट्स देगा। अगर हम देखें एसीटोफिनोन में क्या प्रेजेंट है, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, और बेंजोफिनोन में हमारे पास ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा एसीटोफिनोन है वो क्या करेगा, आइटोफॉर्म टेस्ट देगा और येलो प्रेसिपिटेट्स बनाएगा, लेकिन बेंजोफिनोन ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा। तो अगर हम आयोडोफॉर्म एंड सॉरी आयोडीन एंड एनएओएच को यूज कर सकते हैं, तो एसीटोफिनोन और बेंजोफिनोन में इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर हमारे पास येलो प्रेसिपिटेट्स आए तो हमारा कंपाउंड एसीटोफिनोन होगा, अगर कुछ भी नहीं आया तो बेंजोफिनोन होगा। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट बनती है, हमारी ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।